नमस्कार, आप देख रहे हैं सतन प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ बाजार में उमानाथ रोड में स्थित जगन्नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आज जल जमाव से ग्रसित हो चुका है। विद्यालय में कई कक्ष ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में आ चुके हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार अगस्त से विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले भी 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन परिस्थिति ये है कि इस जल जमाव से बच्चे कैसे विद्यालय में पढ़ने आएंगे, और अगर बच्चे आते भी हैं तो वो अपनी कक्षा तक क्या पानी में चलकर जाएंगे। विद्यालय में कई कमरे में जल जमाव हो चुका है। कई कमरे तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर इन कमरों में पढ़ाई की व्यवस्था की शुरुआत होती है तो क्या शिक्षक और छात्र इस कक्षा में बैठ पाएंगे? विदित हो कि एक समय इस विद्यालय का नाम पूरे राज्य में सर्वोत्तम स्थान पर था। यह विद्यालय बाढ़ अनुमंडल में हमेशा से ही प्रथम स्तर पर रहा है, लेकिन आज इस विद्यालय की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण ये विद्यालय काफ़ी खस्ताहाल स्थिति में है। भूतपूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक राहुल कुमार ने कहा कि स्कूल की ऐसी स्थिति है कि थोड़ा सा भी वर्षा होने पर पूरे विद्यालय में 2 से 3 फीट तक जलभराव हो जाता है। यहां तक कि टॉयलेट जाने के क्रम में भी जल जमाव से होकर ही गुजरना पड़ता है। वर्षा के कारण 3 से 4 महीने तक विद्यालय में जल जमाव बना रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। बार बार के चाहिए मुझे बाप लड़का ये से खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक। ऐसे जाएंगे ना एकदम। टोटल इसमें जोड़ दीजिए, कभी भी प्रिय घटना घट सकता है। नीचे नीचे, 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 हाँ।